सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में आज दूसरे दिन भी सभी दुकानें, शोरूम और फैक्ट्रियां बंद रही। वहीं दूसरी तरफ पिछले सालों साल से मांगे नहीं माने जाने पर प्रशासन के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में व्यापारी सड़क पर उतर कर नारेबाजी की। व्यापारियों ने विरोध दर्ज कराने के लिए न सिर्फ भीख मांगे बल्कि अपनी चाबियां सांकेतिक तौर पर प्रशासन को भी सौंप दी। खबर के प्रसारित होने से पहले प्रशासन की ओर से आधिकारिक तौर पर इन सैकड़ों व्यापारियों की बातों को सुनने के लिए या मांगों को जानने के लिए एक भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे थे। इस बीच व्यापारियों का धरना प्रदर्शन और नारेबाजी का दौर चल रहा है, तो देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को और सुनते हैं व्यापारी नेता नरेश कुमार क्या कह रहे हैं। ये मधुकर जी, हमारा जो 12-13 का बंद का आह्वान है, ये बिल्डिंग वायलेशन और मिसयूज के विरोध में आह्वान किया गया है। व्यापारी एकता मंच की तरफ से ये आयोजन किया था, उसमें हमारी चंडीगढ़ फर्नीचर एसोसिएशन पूरा सहयोग दे रही है। सहयोग हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि प्रशासन हमारे साथ धक्काशाही कर रहा है। अब धक्काशाही कैसे कर रहा है, एक तरफ तो आप कन्वर्शन प्लाटों को कॉमर्शियल अलाउड कर रहे हैं, वहाँ भी कॉमर्शियल अलाउड हो जाए। एक आपके पड़ोस में 4 मंजिले बिल्डिंग है, आपने कोर्ट यार्ड में चादर से कवर कर लिया, आपको कुछ नीड बेस चेंज कर दी। बिल्डिंग वाले से के नाम से करोड़ों के नोटिस आए हुए हैं और प्रशासन ये हमें धमकी देता है कि अगर आप इस तारीख तक आप अपने वायरस नहीं हटाते तो आपको बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। मधुकर जी, व्यापारी कहाँ जाएगा आप ये बताओ। मेरे पास 10 मरले का प्लाट, हम 2 भाई हैं, अगर उसमें थोड़ी बहुत अल्ट्रेशन हम नीड बेस में चेंज कर ली है तो उसमें हमने क्या गुनाह कर दिया। एक तरफ तो आप कन्वर्सन को बोलते हैं भी आप इसमें कॉमर्शियल अलाउड करो, 5 मरला बिल्डिंग आपके अलाउड है फेज 1 फेज 2 में, आपने इंडस्ट्रियल पार्क को बाहर घोषित कर दिया इसको। अब 1972 से ये प्लाट अलॉट हैं, आदम के ज़माने की बात, उस टाइम क्या काम होता था, हैंडमेड होता था, आज मशीनें आ चुकी हैं, कंप्यूटर का युग आ चुका है। अगर कोई अंदर से हम इंटरनल चेंज करते हैं तो प्रशासन स्टेट ऑफिस में बिल्डिंग वाइज के नोटिस भेज देता है, और करोड़ों के नोटिस हैं, ये नहीं भी हज़ारों में नोटिस हैं, करोड़ों के नोटिस हैं। आप ये बताइए मधुकर जी, हजारों में कहने का मतलब है काफ़ी संख्या में व्यापारी हैं जिनके कई कई करोड़ के एक एक नोटिस भेजे गए हैं, ये कहना चाह रहे हैं। सर 13 करोड़ 93 लाख का नोटिस है एक व्यक्ति को 13 करोड़ 93 लाख का नोटिस है। मधुकर जी आप ये बताइए, हमने कोई इनक्रोचमेंट नहीं की हुई है, हमारे को प्रशासन ने प्लॉट अलॉट किए हैं और उस प्लॉट में हमारे अपने प्लाट हैं, हमने पैसे दिए हुए हैं। एक तरफ प्रशासन जहाँ इनक्रोचमेंट है वहाँ कहते हैं आप काम करो हम आपको जगह देंगे, पत्थर मार्केट है, फर्नीचर मार्केट पर है, वहाँ पर इनक्रोचमेंट है, वो करे प्रशासन आप काम करो। एक तरफ यहाँ पर अलॉटेड लैंड है, हमने पैसे दे के हमने ज़मीनें ली हुई हैं और इसको कहते हैं आप इसमें अल्ट्रेशन नहीं कर सकते, अंदर से नीड बेस चेंज कोई नहीं है, आपकी वायलेशन है। मधुकर जी आप ये बताएं हम कहाँ जाएं, काम करें या सड़कों पर आएँ। आज प्रशासन ने हमारे को इतना मजबूर कर दिया कि हम भिखारी के रूप में भीख मांग रहे हैं सड़क पे आके, हमने भीख मांगी आज प्रशासन। अगर इस नोटिस को भी अगर भरने चले जाएं तो हमें लगता है कि अभी जिस तरह से सांकेतिक भीख मांग रहे हैं, सचमुच अगर इन नोटिसों के पैसे जमा करा दिए जाएं तो भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा, जो मैं सोचता हूं। बिल्कुल ठीक बात है मधुकर जी, अब जिस इंसान को 13 करोड़ का नोटिस आता है उसकी तो बिल्डिंग 5 करोड़ की भी नहीं है, क्या करेगा वो, भीख ही मांगेगा ना। आज पूरा इंडस्ट्रियल फेज 1 फेज 2 बिल्डिंग वायलेशन के नोटिस और मिसयूज के विरोध में धरना प्रदर्शन किए हुए हमने यहाँ पर किया है और पूरी इंडस्ट्री आज पूरी बंद है, पूरा एकता का प्रदर्शन है। इससे फेज 1 फेज 2 ही नहीं प्रभावित है, पूरा चंडीगढ़ शहर प्रभावित है, पूरे चंडीगढ़ में बिल्डिंग वायलेशन के नोटिस आए हुए हैं। प्रशासन दोगली नीति क्यों अपनाता है हमें तो ये समझ नहीं आती। ठीक है आपने कन्वर्शन की पॉलिसी दी, अच्छी बात है, उनको अलाउड किया कॉमर्शियल, हमें भी करो भाई, हमारे को छोटे प्लाट हैं उनको भी कन्वर्शन की नीति अपनाओ। आप देखो क्या करना है, आपने कन्वर्शन वालों से इतने रुपए लिए हैं, आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो किया नहीं वहाँ पर,
आप करिए, हम तो सब कुछ देने को तैयार है, कोई फीस वो भी देंगे हम आपसे। नरेश जी, सबसे बड़ी बात है कि कई प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी भी बात हो जाती है। उनका कहना है कि हम तो किताब देख करके ही काम करेंगे, जो किताब में नियम कायदा है वो। जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जैसे सांसद हुए, यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी पॉलिटिकल पोस्ट ही है, पॉलिटिकल लोग ही इसमें आते हैं, और प्रशासक के पास अधिकार भी है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं बहुत हद तक। तो आप अधिकारियों पर तो गुस्सा उतारते हैं, लेकिन कभी भी आप लोगों ने जिसने आपको सपना दिखाकर सांसद बन जाते हैं, सपना दिखा कर के यहाँ प्रशासक बन जाते हैं, उसके बारे में कभी आप लोग आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि यही आप लोगों की जो समस्या है वो दूर कर सकते हैं। बिल्कुल मधुकर जी, आपकी बात ठीक है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे मैनिफेस्टो में ये बातें लेकर आती है कि हम आपकी जो समस्याएं हैं, एक समस्या नहीं है यहाँ पर, दुनिया भर की समस्या है, इंडस्ट्री में वेट असेसमेंट की समस्या है, बिल्डिंग वायरस की समस्या है, मिसयूज की समस्या है, फायर नोट की समस्या है, लीज होल्ड टू फ्री होल्ड की समस्या है। अब वो हर पॉलिटिकल पार्टी, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं 35 साल से देख रहा हूँ, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई और भी पार्टी आती हैं, हमें आश्वासन मिलता है हर बार भी हम आपकी समस्याओं को दूर करते हैं, लेकिन हर बार जो यहाँ का MP बनता है वो ये कहता है कि अधिकारी हमारे नहीं सुन पाते, और फिर आगे चलो हम अधिकारी के पास जाते हैं, वो कहते हैं MHS से इसका हल होएगा, संसद में पास होएगा मुद्दा ये। अब आप बिल्डिंग वाले से वो लीजिए, 10 रुपये फुट था एक टाइम में, अब इन्होंने 8 रुपये डेली का जुर्माना लगाया हुआ है, करोड़ों में बनता है, क्या ये प्रशासन को अधिकार है इतना जुर्माना लगाने का? फीट के हिसाब, 8 रुपये फुट के हिसाब से, पर फीट के हिसाब से डेली, और एक अगर छोटे से भी अगर ये जगह हो तो उस कितने में बैठ जाएगा? अब आप देखो 1,000 स्क्वायर फुट है, 8 रुपये फुट आप लगा लो, 8,000 रुपये डेली हो गया, महीने का 2,40,000 रुपये हो गया, आप साल का लगाओ, उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी अलग है। 8 रुपये की कमाई नहीं, लेकिन पर डे 8,000 रुपये का जुर्माना ठोका जाता है चंडीगढ़ शहर के व्यापारियों को, जो मिसयूज, बिल्डिंग वायलेशन, ये सब जो है इसी को लेकर के जी। और सर हमारी एक ज्वाइंट फोरम है, उसमें भी हमने ज्वाइंट फोरम के औरों ने भी कोर्ट में भी केस हमने डाला हुआ, वो क्या पेंडिंग है, हम इस समस्या को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि प्रशासन एक दोगली नीति अपना रहा है, स्वतः व्यवहार कर रहा है हमारे से। एक तरफ तो आप कमर्शियल को बोलते हैं भी आप इसको कॉमर्शियल अलाउड कर दो, साथ में छोटा प्लाट है उस भाई ने अगर कोर्ट यार्ड में चादर कवर कर ली है अपने सामान सुरक्षित के लिए, आप उसका नोटिस भेजते हो, तो ये सौतला व्यवहार बहुत गलत बात है प्रशासन का। हम प्रशासन से यही गुहार करते हैं कि भाई जी हमें काम करने दीजिए, हम GST भी देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, और सबसे बड़ी बात है चंडीगढ़ में 27% की ग्रोथ इस पिछले महीने हुई है GST की, कहाँ पर कमी है रिवेन्यू की आप बताइए हमारे को। और मान लो कोई वायलेशन की समस्या है, फीस की समस्या है, इसको आप नहीं कर सकते, सपोज करो वन टाइम सेटलमेंट कर लो, पिछले साल एक साल ही होगा तकरीबन, TC साहब ने ज्वाइंट फोरम की मीटिंग बुलाई थी, उन्होंने प्रपोजल भेजा था अभी मैक्सिमम हम जो है बिल्डिंग वाले से का 2 लाख रुपये या 1 लाख समथिंग ऐसे कुछ, मेरे को ध्यान नहीं पूरी बात भी, हम एक लमसम में निपटा के इसको निपटा देंगे वायलेशन को, उसके बाद जो वायलेशन करेगा उस पर सख्त कार्रवाई हो जाएगी, कम से कम वही एक प्रपोजल थी, वो बढ़िया थी, अच्छी बात है, उसको निपटा दीजिए, लेकिन हमें काम करने दीजिए। हम यही प्रशासन से गुहार करते हैं कि हमें काम करने दीजिए, छोटी मोटी जो वायलेशन हमने अंदर कर रखी है उसको अलाउ करें नीड बेस्ड चीज़ के आधार पर। और आज हमारा धरना बिल्कुल कामयाब रहा है, पूरी फैक्ट्री बंद है, कोई दुकान खुली नहीं है, प्रशासक को अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो प्रशासक को अपनी चाबियाँ उनको दे देंगे, चाबियाँ भी पकड़ा देंगे। कितना नुकसान हुआ होगा आज व्यापारियों को भी और सरकार को भी। अब आप देख लियो 4,000 इंडस्ट्री हैं, 5,000 परिवारों को यहाँ से रोज़गार मिलता है। अब मैं कोई पूरा अनुमान तो नहीं लगा सकता, लेकिन लाखों में रिवेन्यू का लॉस हुआ है प्रशासन को। अगर ये ऐसी इंडस्ट्री और कई दिन बंद हो जाएगी तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो हम प्रशासन से ये गुहार करते हैं कि हमारे जो बिल्डिंग वाले से के नोटिस और मिसयूज के नोटिस हैं इनको वापस लिया जाए और एक पॉलिसी बनाई जाए, इंडस्ट्री पॉलिसी, ताकि व्यापारी अपना काम सुरक्षित कर सकते हैं। और हम ये डिमांड भी करते हैं जब तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाए,
जो वायलेशन के नोटिस और मिस यूज पे है इस पर कार्रवाई ना हो, कम से कम ये कार्रवाई तो ना हो। आप लोगों ने बंद का आह्वान किया, बंद भी हुआ, धरना प्रदर्शन भी हुआ, आप लोगों ने जिसको एमपी के तौर पर जिता कर भेजा पहले भी और जो अब भी अब है, क्या कभी एमपी आप लोगों के धरना प्रदर्शन या जो आप लोग डिमांड रखते हैं उसको लेकर के कभी आपके बीच में आए कि नहीं? मधुकर जी देखिए, आज तो कोई एमपी या कोई यहाँ पर ऐसा प्रतिनिधि नहीं आया हमारे पास जिन्होंने कहा भी हम प्रशासन से कोई आया कि नहीं? प्रशासन से जब हमने 27-28 अगस्त का धरना प्रदर्शन किया था ट्रिब्यून चौक पे, उस टाइम एसडीएम साहब आए थे और जो पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधि थे, अध्यक्ष थे, वो भी आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपकी समस्याओं पर पॉजिटिव विचार करेंगे, लेकिन 15 दिन हो गए अभी तो कोई कार्रवाई नहीं, आज भी कोई नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज भी कोई नहीं आया और हमें आज मजबूर कर दिया सड़कों पाने के लिए, भीख मांगने के लिए प्रशासन ने कि आप भीख मांगिए और यहाँ से प्लान कर दीजिए, लेकिन हम प्लान करने वाले नहीं हैं, हम यहीं डटे रहेंगे, यहीं काम करेंगे, हम इन नोटिसों को रद्द करवा करके ही हटेंगे, जब तक अब ये नोटिस वापस नहीं होते हमें धरना प्रदर्शन वापस नहीं लेंगे। तो आप सब इन्होंने कहा नरेश जी ने कि हम पलायन नहीं करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि चंडीगढ़ शहर से सैकड़ों व्यापारी इंडस्ट्री चलाने वाले पलायन कर चुके हैं, जो बद्दी और मोहाली और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में चले गए, और बचे हुए जो कुछ लोग हैं उनको भगाने की कोशिश है या क्या है ये तो प्रशासन को ही पता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मधुकर जी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।